एक बार भगवान शिव बोले, किसी जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहती थी। मोरनी गर्भवती हो गई थी तो एक दिन मोर से बोली कि हे प्रिय, अब हमारे घर में एक नन्हा सा और प्यारा सा बच्चा होने वाला है जो बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे की सहारा बन सकता है। इस पर मोर बोला, आप इस बात की उम्मीद कभी मत रखो कि हमारा पुत्र हमारे बुढ़ापे की सहारा बन सकता है। इस पर मोरनी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर मोर बोला कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक परिवार रहता था जिसका विवाह 15 साल हो गया था। उस दाम्पत्य जीवन का कोई भी पुत्र या पुत्रियां नहीं थी। वो बहुत सारा इलाज करवाया था, बहुत मंदिरों में मस्जिदों में पूजा अर्चना किया और कितनी मनौतियां मांगी थी। तब जाकर उसको 20 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। जब वह पुत्र हुआ तो जिस हॉस्पिटल में हुआ उस अस्पताल के नर्स उसके बेटे को लेकर उसके पिता के पास आती है। उसके पिता बोलता है, क्या मेरा बेटा सही तो है, स्वस्थ तो है, अच्छा तो है? इस पर नर्स बोलती है, हाँ आपका बेटा एकदम स्वस्थ है, सुंदर है, लेकिन आपके पुत्र का एक आँख नहीं है, वह एक आँख से काना है। उसके पिता यह बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि बहुत मनौतियों के बाद भगवान हमें पुत्र दिया और वह भी काना। लेकिन फिर भी भगवान जो देते हैं अच्छा ही देते हैं। पिता तो खुश होते हैं, परंतु माँ तो माँ होती है। माँ जब इस बात को सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा इतना सुंदर है लेकिन भगवान इसको एक आँख नहीं दिया। इस पर नर्स बोलती है, अगर आप चाहो तो इसका भी इलाज हो सकता है। उसकी माँ बोली, कैसे? तो नर्स बोलती है, अगर आप दोनों में से किसी एक ने एक आँख दान दे दें तो हम इस बच्चे की आँख लगा देंगे, इससे आपका बेटा और भी सुंदर हो जाएगा। इस बात को जब उसके पिता सुनता है तो वह बोलता है कि भगवान इसको जैसा भी दिया है मैं खुश हूँ और मैं अपना आँख नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। अगर मेरा आँख नहीं रहेगा तो मैं कमाऊँगा कैसे और मैं अपने बेटे को और अपने पत्नी को भरण पोषण कैसे करूँगा, अपने घर की खर्चा कैसे उठाऊँगा? इतना बात कहकर वह आँख देने से इनकार कर देते हैं। इस पर माँ बोलती है, नर्स अगर ऐसा है तो मैं अपनी एक आँख अपने बेटे को दान देती हूँ क्योंकि मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मुझे घर पर ही रहना है और घर को संभालना है, तो इसके लिए मुझे एक आँख ही काफ़ी है। और इस प्रकार अपनी आँख दान दे देती है जिससे वह बेटा और भी सुंदर लगने लगा और उसका पति चला गया काम पर कमाने के लिए। काम करके डॉक्टर का फीस और हॉस्पिटल का खर्चा निकालता रहा और इस प्रकार से कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों जब माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो घर पर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब बेटा 2 साल का हुआ तो उसके पिताजी अपने काम करके वापस अपने घर पर लौट रहे थे। अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह खबर जब उसकी पत्नी को चलता है तो वह अपनी माथा पीट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मेरा एक बेटा और उसका भी बाप आपने छीन लिया, अब मेरे बेटे और मेरा भरण पोषण कैसे होगा, अब मैं क्या करूँगी? गांव के लोगों ने उसको समझाने बुझाने की कोशिश किया और अंतिम संस्कार के लिए उसको तैयार करने लगे। अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था क्योंकि वह रोज कमाने वाला व्यक्ति था और रोज खाता था और जो कुछ बचा हुआ धन था वह इलाज में ख़त्म हो गया था। इस प्रकार से ग्रामीणों ने उसकी सहायता करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद बेटा जब कुछ बड़ा हुआ तो खर्च के लिए माँ ने घर घर जाकर बर्तन झाड़ू पोछा और कपड़े धोने लगी जिससे आराम से उसके घर का खर्चा निकलने लगा और
अपने बेटे के लिए नए नए खिलौने, नए नए कपड़े लाने लगी। इस प्रकार से बेटे को बहुत प्यार करने लगी और किसी भी प्रकार का कमी नहीं करती अपने बेटे को। जब उसका बेटा बड़ा हुआ, यानी 5 साल का हुआ, तो उसे गांव में स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल था और बहुत ही अच्छा स्कूल था, उसमें एडमिशन के लिए उसकी माँ ले गई। एडमिशन कराने के समय जब प्रधानाध्यापक आए तो प्रधानाध्यापक बोले, माँ जी, आपके बस की बात नहीं है इस स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि आपके हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप इस स्कूल का फीस कभी भर पाएगी, क्योंकि इस स्कूल का फीस बहुत ही ज़्यादा है और आप गरीबी हालत में हो। आपके फटे कपड़े से मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा जिससे आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ सके। इस पर उसकी माँ बोलती है, हे प्रधानाध्यापक जी, आप चिंता ना करें पैसों की, मैं आपको समय समय पर पैसे दे दूंगी, बस आप मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा दो और जब यह पढ़ लिख जाएगा तो एक अच्छा सा डॉक्टर बन जाएगा, फिर मेरे दुख का दिन खत्म हो जाएंगे। टीचर ने उस माँ पर तरस खाकर बेटे का एडमिशन कर लिया और इस प्रकार से माँ 5 घर के बदले 10 घरों में बर्तन धोने लगी और उसे स्कूल का फीस भरने लगी और बेटे को पढ़ाने लगी। बेटे को स्कूल ले जाती और फिर लेकर आने लगी। जब बेटा 10 साल का हो गया तो उसका दोस्त उसकी मजाक उड़ाने लगे, बोलते, तेरी माँ कैसी है, काली कलूटी है, एक आँख से कनी है, फटे कपड़े पहनती है। इस पर उसके बेटे का बहुत गुस्सा आता और उसे बहुत ही बुरा लगता। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे को लेने स्कूल में जब आई तो उसका बेटा बोला, माँ, कल से तुम स्कूल मुझे मत लाना और न ही मुझे लेने आना, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद स्कूल आ जाऊँगा और फिर चला भी जाऊँगा। इस पर उसकी माँ बोली, क्या बात है बेटा? तो उसका बेटा बोला, कुछ नहीं माँ, बस आप मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो और न ही स्कूल से लेने भी आया करो। इस पर उसकी माँ बोली, अगर कोई बात हो तो बताओ। इस पर उसका बेटा बोला, माँ, यह मेरे स्कूल के सारे दोस्त जो वह मुझसे बोलते हैं कि तेरी माँ काली कलूटी है, कानी है और फटी फुटी कपड़े पहनती है, भीख मंगी जैसा लगती है। बेटा, अगर तू ऐसा बोलता है तो मैं कल से नहीं लेकर आऊँगी, लेकिन बेटा तू ध्यान रखना और अच्छे से आते जाते रहना, रास्ते पर देख कर चलना, नहीं तो तू ही एक मेरा सहारा है, तेरा पिता ऐसे ही रास्ते पर एक्सीडेंट में मारे गए, अगर तू ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं किसके लिए जीऊँगी। इस पर उसका बेटा बोलता है, आप चिंता मत करो माँ, मैं ठीक से आऊँगा और मैं अब बड़ा भी हो गया हूँ। इस प्रकार से अब बेटा रोज़ खुद से स्कूल आने जाने लगा और उसकी फीस और बढ़ने लगी। जैसे जैसे बेटे आगे क्लास में जाने लगा वैसे वैसे उसका खर्च बढ़ने गया और उसकी माँ 15 से लेकर 20-25 घरों में काम करने लगी। इस प्रकार से रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को उस स्कूल में पढ़ाई। जब उसका बेटा अच्छा नंबर से उस स्कूल में पास हुआ तो वह शहर चला गया पढ़ने के लिए। अब शहर जाने पर वहाँ पर बहुत सारा पैसा लगने लगा। अब उसकी माँ क्या करे, लेकिन फिर भी उसकी माँ हिम्मत नहीं हारी और अब 30 से 35 घरों में रोज़ाना काम करने लगी। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वह काम करती और फिर घर पर आती, हरी थकी सो जाती, कभी कोई खाने को दे देता तो खा लेती, नहीं तो वैसे ही सो जाती। फिर सुबह 4 बजे जगती और अपने कामों में लग जाती। ऐसे करते करते एक दिन उसके बेटे का पत्र आया कि माँ, अब आप मुझे पैसा मत भेजा करो, क्योंकि अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ और अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वह पत्र को पढ़कर मन में बहुत खुश हुई और सोचती है कि इसके लिए मैं रात दिन मेहनत करती थी, आज मेरा बेटा, मेरा मनोकामना पूरा हुआ, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, अब मेरा दुख का दिन खत्म हो गया और अब मैं सुख से जीऊँगी, बेटा मुझे लेकर के अपने पास जाएगा, बेटा कमाएगा और मैं आराम से जीऊँगी और मुझे किसी के घर में बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे सोचते सोचते उस माँ को बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन बेटा माँ की खबर लेने तक नहीं आता है। मन बहुत दुखी रहती है इस बात से कि बेटा मेरा खबर भी नहीं लेता। उसे बेटे का दूसरा पत्र एक दिन फिर से आता है और उस पत्र में लिखा होता है कि माँ मैं शादी कर लिया हूँ और जिससे मेरी शादी हुई है वह भी एक डॉक्टर है और वह बहुत ही अच्छी है। यह बात सुनकर उसकी माँ की छाती फट गई और आँखों से आंसू निकलने लगा। बोली, वाह रे बेटा, जिसके लिए मैं भीख मांगी बन गई, अपने एक आँख दान कर दिया। मैं खाना खाया नहीं, मैंने रात दिन मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया, उस माँ को जरा सा भी नहीं पूछा और शादी कर लिया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूँगी, अच्छा रिश्ता आएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें अगर तुम खुशी हो तो मुझे भी खुश रहने की ज़रूरत है। माँ भी बहुत खुश हो गई कि बेटा तो अब शादी कर लिया है, अब तो मुझे लेने के लिए आएगा। और इस प्रकार से उस बेटे और बहू का इंतज़ार प्रतिदिन करने लगी। रात भर सोई नहीं, दिन में चैन नहीं मिलता कि आज मेरा बेटा और बहू मुझे लेने के लिए आएंगे और मैं आराम से अब बेटे और बहू के साथ में रहूँगी। मेरे दुख का दिन बीत गए। देखते देखते एक दिन और एक पत्र आता है और उसमें लिखा होता है कि माँ मुझे एक बेटा हो गया है और वह बहुत ही सुंदर है। यह बात सुन करके उसकी माँ को तो रहा नहीं जाता, बहुत उसको दुख भी होता है और खुशी भी होती है। दुख इस बात का होता है कि बेटा जब डॉक्टर बन गया, विवाह कर लिया और मुझे पूछा तक भी नहीं, यहाँ तक कभी मेरे खबर भी नहीं लिया और मुझे लेने के भी नहीं आया। शादी कर लिया तो भी मुझे बताया नहीं और बेटा हुआ तो भी मेरा कोई खोज खबर नहीं लिया और अब उसे रहा नहीं गया। और 36 दिनों के बाद वह इंतज़ार करते करते उस पत्र को समेटकर शहर के लिए चल दी। माँ जब शहर में गई तो एक रिक्शे वाले को वह पत्र का पता दिखाते हुए बोली, बेटा मुझे इस पते पर पहुंचा दे। रिक्शा वाले ने उस पते पर पहुंचा दिया और माँ वहाँ हॉस्पिटल में उतरकर जब अंदर जाने लगी तो वहाँ का गार्ड जो है उस माँ को रुकने लगा और बोला, बुढ़ी अब कहाँ जा रही हो? तो बुढ़ी माँ बोली, यह जो डॉक्टर साहब है ना, यह मेरे बेटे हैं, मैं अपने बेटे और बहू से मिलने जा रही हूँ। इस पर गार्ड ने बोला, यह डॉक्टर साहब और आपका बेटा, यह तो हो ही नहीं सकता। आप काली कलूटी, एक आँख से कानी हो और फटे फुटे कपड़े पहनी हो और इनको आप जो डॉक्टर साहब है इनको आप बेटे बोल रही हो। आप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार कर निकाल दूँगा। यह सब अपरा तपरी मची हुई थी कि दूसरा गार्ड ने देखा कि यहाँ शोर मचा हुआ है तो वहाँ पर आया और पूछा, माँ क्या हुआ है? उस बूढ़ी माँ ने बोली, यह जो डॉक्टर साहब है यह मेरे बेटे हैं, मैं उनसे मिलने आई हूँ। इस पर गार्ड बोला, दूसरा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके बेटे हैं? इस पर उस माँ ने उन तीनों चिट्ठी को उस गार्ड को दिखाए और यह समझ गया कि यह माता जी की ही डॉक्टर साहब है, माँ ही है। इस पर गार्ड बोला कि माँ आप यह सीढ़ी पर चल ले जाओ ऊपर, और ऊपर आपके बेटे बहू रहते हैं। बूढ़ी माँ ने अपने एक थैली में उस नाती के लिए कपड़े खिलौने और बहू के लिए कपड़े लिए थे जो कि वहीं पर छोड़ दिए और खुशी से मारे बेटे और बहू से मिलने और पोते से मिलने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब आंगन में गई तो देखी कि एक सुंदर सा पालना में एक सुंदर सा बच्चा सोया हुआ है। बूढ़ी माँ को रहा नहीं गया और उस पालने से उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बच्चा सोया हुआ था और अचानक उसका नींद खुला तो बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी बहू दौड़ती हुई आई और बोली, कौन है, क्यों रो रहा है मेरा बेटा? और जब पास में आकर देखती है कि एक बूढ़ी माँ उसके बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाई हुई है तो इस पर वह चिल्लाने लगी, कौन हो तुम और मेरे बेटे को के लेने आई हो? यह बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है, मेरे बेटे को चुराने आई है?
यह बात सुनकर डॉक्टर साहब भी नीचे उतर कर आने लगे। इस पर बूढ़ी माँ बोली, बहू तुम मेरी बहू हो और यह डॉक्टर जिसको पति बोलती है यह मेरा बेटा है और यह मेरा पोता है। मैं गांव से आप सभी से मिलने आई हूँ। डॉक्टर भी पत्नी बोलती है, क्या जी यह आपके माँ है? इस पर डॉक्टर साहब बोलते हैं, यह मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो मर गई है। इस बात को सुनकर के माँ के सीने छलनी छलनी हो जाते हैं और माँ ये सह नहीं सकती और माँ के आंखों से आंसू आ गए। इस बुढ़िया माँ बोली, बेटा तुम भूल गए मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। इस पर वो डॉक्टर बोला कि नहीं, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मेरी माँ मर गई है। इतना बात सुन करके वह बूढ़ी माँ बच्चे को उसकी गोद माँ को दे देती है और जिस सीढ़ी से चलकर आई थी उसी सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है और उस गार्ड के पास में आती है और बोलती है, बेटा तू मेरा एक काम करेगा? गार्ड बोलता है, हाँ माँ बोलो। तो बुढ़िया बोलती है कि बेटा मेरे लिए एक चिट्ठी लिखना है। इस बात को सुनकर के गार्ड ने एक पेपर और कलम लेकर आता है और बुढ़िया माँ जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे वह पत्र में लिख देता है। पत्र लिख करके बुढ़िया माँ को दे देता है। फिर बुढ़िया माँ बोली, बेटा क्या मुझे पानी मिलेगा? गार्ड ने बुढ़िया माँ के लिए पानी लेने चला गया। इस पर बुढ़िया माँ ने अपने साड़ी के पल्लू पंखे में लटका कर और उस पंखे से लटक गई। जब तक गार्ड पानी लेकर आता, बुढ़िया माँ को पंखे से लटका हुआ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वह शोर मचाने लगता है। शोर को सुन करके डॉक्टर साहब और उसकी पत्नी जब नीचे आते हैं तो उसके पैरों के नीचे भी जमीन खिसक गया और डॉक्टर साहब यह सोचने लगे कि मेरी एक छोटी सी गलती पर मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। यह सोचते हैं और माथा पीट पीट कर रोते हैं। तब तक उसकी पत्नी का नज़र उस बुढ़िया माँ के हाथ में चिट्ठी पर पड़ती है। डॉक्टर साहब की पत्नी चिट्ठी लेकर के पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा जिस माँ को कुरूप कानी भिखमंगी बोल रहे हो वह माँ ऐसी नहीं थी। वह माँ बहुत ही सुंदर थी। तुम्हारे पढ़ाई के खर्च उठाने के लिए पूरी धूप में जलती रही, सर्दी बरसात सहती रही और सभी के घरों में काम करके तुम्हें डॉक्टर बनाया और बिना खाए वह अपने घर में सड़ती रही, लेकिन तुम्हें कोई भी दुख का एहसास होने नहीं दिया। और जब तुम डॉक्टर बन गए तब तुम मुझसे पहचानने से इनकार कर दिया। तुमको पता है मैं एक आँख से कानी नहीं थी, मेरा दोनों आँख थे। जब तू पैदा हुआ था तो तू एक आँख से काना था, तो उसी समय मैं तुम्हें एक आँख दान दिया और तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया था। जिस रूप पर तुम्हारी यह पत्नी मरती है वह रूप मैंने ही दिया तुम्हें और मैं खुद बदरूप होकर के तुम्हें रूपवान बनाई। मैं ना खाकर तुम्हें खिलाई, मैं सबके घरों में बर्तन कपड़े धोकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया और आज तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मेरा खबर भी नहीं ली। यह सोच सोच करके मैं रोज़ सोती और रोज़ जगती। हद तो उस दिन हो गई जिस दिन मुझे तुम्हारा पत्र मिला कि माँ मैं विवाह कर लिया हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि चलो तुम जैसे भी खुश रहो, मुझे भी तुम्हें खुश देखकर कहीं खुशी मिलेगी। लेकिन अब पोता हुआ तो तुम्हारा तीसरा पत्र आया जिसको पढ़ करके मुझे रहा नहीं गया और मैं तुम सभी से मिलने यहाँ शहर चली आई। और जब मैं तुम्हारे पास आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मैं यह सोचकर तुम्हें बड़ा किया कि तुम्हारे पिताजी मर गए, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो हो, यही सोच करके तुम्हें पढ़ाया और डॉक्टर बनाया कि बुढ़ापे में तुम मेरा मदद करोगे और बुढ़ापे का लाठी बनोगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके लिए मैं काली हो गई, कन्नी हो गई और एक भिखमंगिन बन गई। सभी के जूठन धो धो कर तुम्हें डॉक्टर बनाई, वही बेटा आज अपने माँ के सामने बोलता है मेरी माँ मर गई है। कोई बात नहीं बेटा,
मैं जाते जाते यह कहना चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम रात दिन तरक्की करो और मेरा पोता भी खुश रहे। इतना बात सुन कर के डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे और वह बहुत रोने लगे। पछताने के सिवाय डॉक्टर साहब के जीवन में कुछ बच ही नहीं गया था, सारे जीवन पछताने लगे। मोर बोलता है मोरनी से कि मोरनी, हमें यह बच्चों से उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे। हम अपने बच्चों से यह उम्मीद कभी नहीं रखते कि बच्चे हमारा कभी परवरिश करेंगे या हमसे पूछकर कोई काम करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको किस प्रकार की कहानी पसंद है कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। मैं आपके मनपसंद की कहानी लेकर ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद।